रामपुर महाविद्यालय के 400% दृष्टिबाधित छात्राओं ने उमंग फाउंडेशन के माध्यम से हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत की थी। न्यायालय द्वारा इसे संज्ञान लेने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जनजातीय और बद्री होटल में रह रही इन छात्राओं ने प्रमुख रूप से कॉलेज के हॉस्टल जाने वाला रास्ता चलने लायक न होने, हॉस्टल में पानी की समस्या, भोजन पौष्टिक न होना व दृष्टि बाधितों को कॉलेज में पढ़ाई से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं न मिलने की शिकायत की थी। एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान की अगुवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। कुछ दिन पहले रामपुर महाविद्यालय के 400% दृष्टि बाधित छात्राओं ने उमंग फाउंडेशन के माध्यम से हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत की थी। न्यायालय द्वारा इसे संज्ञान लेने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जनजातीय और बद्री होटल में रह रही इन छात्राओं ने प्रमुख रूप से कॉलेज से हॉस्टल जाने वाले रास्ता चलने लायक न होने, हॉस्टल में पानी की समस्या, भोजन पौष्टिक न होना व दृष्टि बाधितों को कॉलेज में पढ़ाई से जुड़ी बुनियादी समस्याएं न मिलने की शिकायत की थी। एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान की अगुवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान दृष्टि बाधित आशा कुमारी, विद्या देवी, सुमा देवी और चंद्रमणि से भी अधिकारियों ने मुलाकात कर समस्याएं सुनी। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि कुछ समस्याएं शिकायत के बाद हल हुई हैं। एसडीएम ने छात्रों से मुलाकात के बाद छात्रावासों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि दृष्टि बाधितों को किसी भी तरह की समस्या न आए, इसका ध्यान रखा जाए। जो समस्याएं उन्हें आ रही हैं, उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि उच्च न्यायालय से शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने संयुक्त निरीक्षण कमेटी गठित की और आज मौके का मुआयना किया। शिकायत पत्र में जो समस्याएं लिखी गई थी उन्हें देखा गया। इस दौरान जो समस्याएं थी उन्हें निदान करने के लिए विभागों को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को भी जल्द रिपोर्ट भेजी जाएगी। ये मामला जैसा कि हमारे ध्यान में आया, हमें उपायुक्त महोदय की तरफ से आया है कि इन लोगों ने कुछ एक हाईकोर्ट में एक शिकायत पत्र दर्ज किया था कि कॉलेज में जो है उचित रूप से उनकी सुविधाओं की कमी है और उनको प्रॉपरली जो है कुछ रास्ते के उन्होंने समस्या बताई, उसमें खाने की समस्या बताई, टॉयलेट की समस्या बताई, साफ सफाई की समस्या बताई। तो इन समस्याओं को लेकर आज विभिन्न जो विभागाध्यक्ष हैं, एक्शन पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, इलेक्ट्रिसिटी, यूएमसी रामपुर, तहसीलदार साहब और बीएमओ साहब, इन सब की एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करके हमने एक स्पॉट विजिट किया और जो वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है, जिनकी कमियां हैं, उनको सबको हमने नोट किया और जो बच्चे थे जिनकी तरफ से शिकायत पत्र आई है उनके उनसे भी हमने बात की, उनसे सबके सामने भी बात की और उनसे अकेले में बैठ के भी बात की। तो जो समस्याएँ थी वो हमारे ध्यान में आई है। कुछ एक समस्याएं बड़ी वास्तविक है, जैसे एक रोड की समस्या है जो वहाँ पर रोड बना हुआ है लेकिन वो थोड़ा आजकल बारिशें हुई है उसकी वजह से उसमें नालियाँ पड़ गई है, कट गया है रोड, तो उसमें जो चलने में थोड़ा बहुत खासकर दृष्टिबाधित छात्राओं को या छात्रों को उस तरह की समस्या निश्चित रूप से रहती होगी। तो आज ही एक्शन पीडब्ल्यूडी से हमने इसका एस्टिमेट तैयार करवा दिया है और प्रिंसिपल साहब ने एश्योर किया है कि मैं इसको तुरंत ही डिपार्टमेंट को भिजवा के इस रोड का जो समस्या है इसको दूर कर देंगे।